गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज हमारा हो चुका है 345 दिन। और कल रात हम रुके थे एक गांव में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एक गांव है, तो यहां पे राम जी का मंदिर था, तो यहां पे रुके थे। और यहां पे कुछ माहौल अच्छा नहीं चल रहा, बाकी यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। यहां पे हमें राम जी के मंदिर में रुकने के लिए जगह दे दिया और रुक गए। सवेरे ही निकल जाते लेकिन भाई का साइकिल थोड़ा पंचर हो गया, इस वजह से लेट हो गया। तो अभी जय श्री राम का नाम लेकर के अपने राइड को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे थे अंकल जी। हेलो अंकल जी, नमस्ते। क्या नाम था इस गांव का? अंगारी। अंगारी, हाँ, थोड़ा, हाँ, राम जी का मंदिर। और देखिए यहाँ पे सुबह सुबह बंदर भी आ रहा है, और ये देखिए हनुमान जी का बंदर है, तो ये सब चीज़ है। हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कहाँ जाने वाला है? अगला तो हम जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल के पास। उज्जैन महाकाल, तो चलो ठीक है छोटी, बाय बाय। तो गाइस चलिए जय श्री राम का नाम लेकर के अपने राइड को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम का नाम लेकर के अपने राइड को कर दिया स्टार्ट। और देखिए मंदिर के जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने जय श्री राम जी का केसरिया रंग का टीका लगा दिया, चंदन का। तो चल रहे मस्त। अभी गाँव का वाइब बहुत अच्छा है और जगह जगह पे एक चीज़ का पौधा मुझे देखने के लिए मिल रहा है, वो है तंबाकू का पौधा। कहीं बड़ा मात्रा में मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, ये अभी हम लोग जैसे जो बहुत ही गजब गजब तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे फिल्मों में देखते थे कि एक लोग जो है किसी तरह का बात फैलाया तो पूरा गाँव में फैल जाता, तो वैसा ही यहाँ हो रहा है। आई थिंक कि कोई किसी लोगों ने अपना खौफ बना के रखा है चड्डी वड्डी गैंग करके, और मारता भी है, नुकसान भी करता है, लेकिन इससे ये तो पता चलता है खौफ बना के रखा है। बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इस चीज़ से और लोगों का नुकसान भी करता है, तो ये सब चीज़ भी देखने के लिए मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। कैश तो अभी चलते रहते हैं फ़िलहाल, देखते हैं क्या होता है। और लोगों ने कहा कि 10-15 दिन से ये हो रहा है, लेकिन पता नहीं, उन्होंने फिर ये भी बोला कि बहुत पहले से हो रहा है, गुजरात के कुछ कुछ अंदर वाले गांव में होता है। और हमने साउथ इंडिया कवर किया, बीच का इंडिया कवर किया, सब जगह पे गए, लेकिन पूरा अंदर गांव के नहीं गए, इधर आना पड़ गया किसी वजह से, तो यहां पे गांव के अंदर का सिचुएशन पता चला। इंडिया में अभी भी ऐसा होता है, बट चलो कोई नहीं, चलते रहते, ये भी एक्सपीरियंस था। कुछ दूर राइड स्टार्ट करने के बाद चल रहे थे तो एक मार्केट मिल गया, पता नहीं कब मिले ना मिले। तो यहाँ पे एक अंकल जी हैं जो समोसा नाश्ता का दुकान है इनका, तो नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने मंगाया है पूरी 20 रुपये का, ये 20 रुपये का इसका है। तो छोटी, हेलो, इधर आ जा छोटी, क्या नाम है? लो लो, अरे लो 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 लो। क्या नाम है? नील। क्या नाम है? नील। नील। चलो तो गाइस खाना खा लेते हैं और नाश्ता करके चलते रहते हैं, अपना राइड को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी ये सब्जी है अभी, और सब्जी में है बहुत चकाचक। तेल ही तेल, वाह वाह वाह। सुबह के अभी 10:02 हुआ है, थोड़ा ही दूर चला हूँ और रास्ते में मुझे मिल गया है माही नदी। तो देखिए माही नदी का नज़ारा कैसा है। गुजरात में एक नदी और मुझे देखने के लिए मिला, माही नदी। ये देखो, ये माही नदी है। अभी एकदम हम ओवर ब्रिज पे खड़े हैं और नीचे का जो ज़मीन है ना, पत्थर वाला है। ऐसा नदी मैं शायद पहला बार देख रहा हूँ कि नदी के बीच में पत्थर है और पत्थर के ऊपर से नदी बह रही है, और ये नदी है माही नदी। और इस नदी के पुल की खास बात मुझे ये लग रही है कि ये पुल बहुत ही पुराना है, और गाड़ी जब चलता था पुल हिलता भी है, और नीचे से अगर नदी से इस पुल की ऊंचाई को देखा जाए ना, तो इतना नीचे है, इतना नीचे है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा नीचे है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे है। अजीब लग रहा है थोड़ा सा, पुल हिल भी रहा है। बाकी हम तो डरने वालों में से नहीं है, हम तो रिसर्च करने वाले में से हैं। ये हमारा बाइसिकल, और मैं इसका भी कोई नाम नहीं दिया हूँ अपने साइकिल का, साइकिल ही बोलता हूँ। और ये सीन है कुछ अभी इस प्रकार का, मस्त लग रहा है। चलो आगे चलते रहते, इस तरह की चीज़ आपको दिखाते रहेंगे।
उस दुकान से नाश्ता करने के बाद बहुत दूर तक चला और मेन हाईवे हम लोगों को मिल गया है। अभी मेन हाईवे का नाम अभी बताऊंगा। तो मेन हाईवे पे आते के साथ एक बहुत ही अच्छा होटल मिला था। हम लोग यहाँ पे कुछ रुके थे कुछ काम से, और कुछ प्यारे प्यारे अंकल आए, उन्होंने हमें कहा कि अब आए हो तो खाना खा के जाओ, और हमारे लिए खाने का इंतज़ाम भी कर दिया। तो होटल में आया खाना खाने के लिए, मतलब इंतज़ाम उन्होंने कर दिया, तो खा लेते हैं। ये है खाना, कुछ ये कुछ खाना अभी मिल गया खाने के लिए। तो चलो आज का दिन भर का तो लगभग काम हो गया। इधर नागेश्वर भाई भी है, तो कैसा लग रहा है? हाँ सर, आए इतना अच्छा खाना देख करके। चलो कोई बात नहीं, हर हर महादेव, खाना पीना खा लेते हैं फिर चलते रहेंगे। गाइस, तो शाम के नहीं, 2:42 हुआ है दोपहर का, और हम गोधरा सिटी में पहुंच चुके हैं। और मैंने सोचा था कि गोधरा सिटी तो बहुत ही झकास होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन अभी तक जितना एरिया से निकले सब लग रहा है जैसे जान नहीं एरिया में। बाकी अभी और अंदर चलते हैं, क्योंकि जब मेन हाईवे पर चढ़ना होगा तो और अंदर जाना ही होगा, तो कुछ कुछ देखने के लिए मिलेगा तो दिखाएँगे गोधरा सिटी। बाकी फ़िलहाल ये गोधरा सिटी में आ चुके हैं, और ये है अभी सीन, और वो सामने से कोई डीजे आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं क्या चीज़ का डीजे। गोधरा सिटी, और गोधरा सिटी का ट्रैफिक अब मिल गया है। देखिए गोधरा सिटी का ट्रैफिक, शहर आइए शहर में तो आपको मिलेगा देखने के लिए ट्रैफिक। और अभी जहाँ चल रहे हैं वो पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है, और गोधरा यही है गोधरा, कहाँ कभी कुछ गोधरा कांड करके कुछ हुआ था कभी भविष्य में, मतलब भूतकाल में पहले कभी यहाँ गोधरा कांड हुआ था गोधरा सिटी में, बहुत ही भयंकर। गाइस, तो शाम के 5:24 हुआ है, और हमें रुकने का एक जगह मिल गया है, वो भी बहुत ज़्यादा पैरवी और बहुत कुछ करने के बाद। एक भैया मिले हमारे यूपी बिहार तरफ के थे, उनका कोई कांटेक्ट में थे यहाँ के दोस्त, तो उनके ही होटल पे आ चुके हैं रहने के लिए। और यहाँ पे रुकने से पहले हमने 4 से 5 जगह पूछा है, और वहाँ पर मना कर दिया, मंदिर में भी मना कर दिया, पेट्रोल पम्प पर भी मना कर दिया। तो हम लोगों को लगा कि हाँ सच में इधर कुछ प्रॉब्लम है, लोग डरते हैं कि रुकेगा अगर इस पर कुछ ऐसा हो जाएगा तो हमारे ऊपर आएगा, है ना, यही बात है ना, तो इस वजह से नहीं लोग रुकने देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मिल चुका है, और अभी मात्र हुआ है समय 5:25, ऐसे भी दिन भर में कहीं भी नहीं रुके तो थके भी हुए भी हैं, और लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस हमने तय कर दिया है। दहौद यहाँ से कुछ किलोमीटर है, तो दहौद भी इलाका बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, मतलब लोगों के बीच में खौफ है, अब कितना डेंजरस है सारे लोग बोल रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, तो बस यही बात है। तो साइकिल मेरा यहाँ पे है, होटल है, रुकते हैं और रात होगा, खाना पीना खाएंगे, नहा धो कर यहीं पे सो जाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों तो खाना पीना खा चुके हैं और अपना टेंट भी लगा चुके हैं, तो सो जाते हैं और थोड़ा सा और जगेंगे कुछ देर, उसके बाद सो जाएंगे। और ये जगह है तो इस जगह के बारे में पूछ भी लेते हैं। और अभी जो हम ये यहाँ पे हैं, इस जगह का क्या नाम है? संत रोड। संत रोड,
संत रोड है और डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जिला पंचमहल जिला पंचमहल तालुको गोधरा जिला पंचमहल गांव संत रोड। तो ये जगह पे हम अभी हैं और सो रहे हैं। ये हाईवे है पास में और साइकिल को यहाँ पे लॉक कर दिया है, कुछ कपड़ा था जो यहाँ पे छोड़ दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।